बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी है। इसी इंद्रावती नदी को जो कि हम पार कर रहे हैं और बैरमगढ़ होते हुए जो कि अबूझमाड़ इलाके में प्रवेश करना होता है, तो इसी इंद्रावती नदी को से हमको नाव के सहारे इस पार से उस पार होना होता है। ऐसे में आज रिपोर्टिंग के लिए निकले हुए हैं और ये तस्वीर मुझे लगा कि दिखाना भी ज़रूरी है कि जिस तरीके से हालांकि जो तापमान है गर्मी का सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन इंद्रावती नदी की जीवनदायिनी में जिस तरीके से यह नदी का पानी है और आज भी यहाँ पर इस इलाके में जो ग्रामीण हैं इसी तरीके से नदी जो इस पार से उस पार जाना हो तो नाव के सहारे से पार होते हैं। और इस यह तस्वीर थी, तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हम उस छोर से इस छोर के लिए जा रहे हैं और ये हमारे साथ रौनक भाई हैं। रौनक भाई, क्या यहाँ पर इसी तरीके से जो लोग हैं दो चार होते हैं क्या हर दिन? जी बिल्कुल, इसी तरीके से इनका जीवन यापन चलता है। और अगर बात की जाए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, कोई मरीज को अगर लाना ले जाना हो तो क्या इसी नाव के सहारे लाते हैं? जी जी, आपको कुछ दिन पहले याद होगा बुड़गा में घटना हुई थी, दो बच्चों की डेड बॉडी थी, इसी नाव में ही लेकर आए। अच्छा जी, तो मतलब स्थिति आप समझ सकते हैं कि बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो इस इलाके के जो आदिवासी ग्रामीण हैं, जो बाशिंदे हैं, इसी नदी को पार करने के लिए इस नाव के सहारे से इस चोर से उस चोर जाते हैं, ये तस्वीर दिखानी ज़रूरी है कि आप आज आप और हम जो कि शहरों में रह करके जो बड़ी आसानी से अपनी जीवन जीने के लिए जो ज़रूरत का जो सामान है बड़ी आसानी से हमें मिल जाता है और हमारा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, ऐसे में आप इसके इतर देखिए बस्तर के आदिवासियों की का जो जीवन है और जो इस इलाके में जो ग्रामीण हैं हर दिन इसी तरीके से नाव के सहारे दो चार होते हैं, इस पार से उस पार जाते हैं, चाहे स्वास्थ्य, चाहे राशन हो, चाहे तमाम बुनियादी सुविधाओं को लेकर के बात की जाए तो इसी नाव के सहारे इस पार से उस पार आते हैं जाते हैं। तो यह तस्वीर थी, मुझे लगा आप दर्शकों को दिखानी चाहिए, हालांकि इससे पहले भी कई बार आपने अलग अलग यहाँ की तस्वीर देखी होगी, लेकिन यह तस्वीर मुझे लगा कि दिखानी ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि बस्तर में जो हालात हैं, जो स्थितियाँ हैं, वो लोग कि आज भी बस्तर के जो बाशिंदे हैं, जो आदिवासी जो हैं, इसी तरीके से जीवन जीने को मजबूर हैं। या नाव है, नाव ही एकमात्र सहारा है, ये नाव ही इनका 108 है जो कि इमरजेंसी सेवा के नाम से है। अगर बात की जाए तो तमाम बुनियादी सुविधाओं को लेकर के इसी नाव का सहारा इस पार से उस पार से इस पार बस ये जीवन चल रहा है। सरकारें बदल रही है लेकिन यह तस्वीर सवाल है आखिरकार कब बदलेगी। धन्यवाद। देखिए अबूझमाड़ क्यों नक्सलियों की राजधानी गढ़ माना जाता है? इस वक्त मैं अबूझमाड़ जंगल इलाके में हूँ। देखिए यहाँ का जंगल घना जंगल है और बस्तर के अन्य इलाकों की अपेक्षा जो कि बात की जाए तो पश्चिम बस्तर के इस अबूझमाड़ जंगल की तस्वीर कुछ अलग ही देखने को मिल सकता है। देखिए किस तरीके से चट्टान हैं, पहाड़ हैं, सकरी इलाका है और पगडंडी रास्ते हैं और ऐसे में इस इलाके में आदिवासी ग्रामीण कैसे जीवन जीते हैं इसी पगडंडी के सहारे जो आदिवासी ग्रामीण हैं अपनी ज़रूरतें रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। यह तस्वीर है, तस्वीर में आप अंदाज़ा लगाइए कि यह यहाँ के आदिवासी जो माड़िया जनजाति के जो ग्रामीण हैं किस तरीके से इस अबूझमाड़ इलाके में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, इनकी जीवन शैली
और अपने जीवन को जो कि ये जीते हैं, बस मुझे याद आती है इस इलाके की जंगल को भी दिखाना चाहिए। आदिश मार की रिपोर्टिंग ले आए हुए थे। आज मैं आपको सफर के दौरान अबूझ माड़ के जंगल की तस्वीर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि अबूझ माड़ माओवादियों का राजधानी गढ़ माना जाता है और अबूझ माड़ वो इलाका है, इस इलाके में जो जंगल है यहाँ पर खनिज संपदा है, जो खूबसूरती है, सुंदरता है। देखिए अबूझ माड़ का यह जंगल है, जंगलों के बीच में देखिए दूर से कुछ घर दिख रहे होंगे आपको, देखिए कैमरे की नज़र से दिखाऊंगा। ये अलबेड़ा का गांव है और यहाँ पर देखिए कितने खूबसूरती से यह गांव बसा हुआ है, कितनी शांति है। दुनिया से और शराबों से दूर या जंगल या गांव है और यहाँ पे पानी है, यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे जमीन है। इसी जंगल जल जंगल जमीन की लड़ाई है और इस लड़ाई के लिए एक तरफ माओवादी जनता में सरकार है जो लोकतंत्र के खिलाफ, लोकतंत्र के व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ रही है, जनता के हित की, जनताओं के हितों की बात करते हुए जो कि यहाँ पर लड़ाई लड़ रही है। और यह खूबसूरत जंगल है, आप देखिए। इस पूरे वीडियो में मैं आपको सिर्फ अबूझ माड़ की तस्वीर दिखाऊंगा। या देखिए यह घर है, देखिए कितनी खूबसूरत। और देखिए यहाँ पर क्या बकरों के लिए यह घर बनाया गया है। यहाँ पर बकरा बकरी जो कि जो पालन पोषण करते हैं वो वहाँ पर आराम से सोते होंगे, उनके लिए है। देखिए यह सुअर का है, देखिए। मैं कोशिश करूंगा सिर्फ आपको तस्वीर दिखाऊं, बार बार अलग आप मुझे देखते हो, लेकिन इस बार कोशिश करूंगा आपको सिर्फ तस्वीरें दिखाऊं, अबूझ माड़ के जंगल की कहानी बताऊं। देखिए शाम का वक्त है, करीब शाम 6:30 बजे का यह समय है, सूरज डूब चुका है, धीरे धीरे रात होने को है। देखिए इस तरीके से नदी नाले हैं, देखिए हमें भी पार करना है। कोशिश करूँगा सिर्फ आपको तस्वीर दिखा सकूँ आज अबूझ माड़ के जंगल से शहर की सफर को बता सकूँ। देखिए पगडंडी रास्ता है, इसी रास्ते से जो इस इलाके के बाशिंदे हैं अपनी रोज़मर्रा के जीवन के लिए, जो ज़रूरत के सामान के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो ज़रूरत का सामान हो, चाहे वो राशन हो, जो एक इंसान को जीने के लिए जो ज़रूरत का सामान होता है उसके लिए इसी पगडंडी इसी जंगल के सहारे से पैदल ही सफ़र तय करने को मजबूर होता है। अबूझ माड़ के जंगल इलाके में जो अबूझ माड़िया है, जो ग्रामीण है, जो आदिवासी हैं, देखिए इसी तरीके के पगडंडी रास्ते से सफ़र करते हैं। गुप्त या जंगल या सन्नाटा है। देखिए अब रोशनी दिख रही हो क्या आपको, क्योंकि रात का समय, रात धीरे धीरे जो कि अंधेरे में जो कि बात की जाए तो जो दिन है अब अंधेरे में तब्दील होगा, क्योंकि रात
जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा वैसे ही रात चढ़ता जाएगा, और मैं धीरे 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 जो दूर की जो तस्वीर है वो सिर्फ हमें नज़दीक दिखाई देने लगेगी, और सिर्फ हम वहीं तक के देख पाएंगे जहाँ तक हमारी जो बाइक की जो रोशनी है, जो हेडलाइट है, जाएगी, वहीं तक के देख पाएंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस जंगल में इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाज़ा लगाइए कि इस इलाके में जो आदिवासी हैं किस कदर जो अपना जीवन यापन है किस कदर जीने को मजबूर हैं। हालांकि जो आदिवासी हैं आपने देखा होगा कि जो बस्तर में सैकड़ों जगह आदिवासी ग्रामीण आंदोलनरत हैं, वो आंदोलन इसी जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए है, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए है, खनिज संपदाओं की रक्षा के लिए है, और इसी जंगल जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए आदिवासी ग्रामीण एकजुट होकर के कई महीनों सालों से आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ विकास के नाम पर अगर चाहिए तो अस्पताल, स्कूल, राशन दुकान और मात्र पगडंडी के सहारे ही वे जीवन यापन करना चाहते हैं। उन्हें चमचमाती हुई सड़कें नहीं चाहिए, कोई कैंप नहीं चाहिए। इन सब का विरोध करते हुए इस जल जंगल जमीन की रक्षा के नाम से आंदोलनरत हैं। उन्हें इस बात का डर है कि कहीं हमारा यह इलाका भी, जो कि एक समय आएगा कि धीरे धीरे यह जंगल की कटाई होगी और यहाँ पर उद्योग लगेंगे, व्यापार होगा, और यह जंगल या जो जमीन हमारा है ये हमसे भी छीना जाएगा, इस डर कोप से आदिवासी ग्रामीण विरोध जताते हुए आंदोलन कर रहे हैं। देखिए यह जंगल है, इतना घना जंगल। मैं बताना चाहूँगा कि बस्तर के, चाहे बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, इन सभी जंगलों में मैंने रिपोर्टिंग किया है, हालांकि आपने तस्वीर भी देखा है, लेकिन यह अबूझमाड़ का जंगल है। यह जंगल बहुत ही घना है। देखिए कहते हैं कि इस जंगल में जब सूरज की जो रोशनी है उस वो भी अच्छे से इस जंगल में नहीं पड़ती है, क्योंकि घना जंगल है, उसकी रोशनी अंदर तक के नहीं आती है, इतना घना जंगल है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए यह जंगल इतना घना होगा कि जब सूरज की रोशनी ही इस इलाके में नहीं पड़ती है, इतना घना है। और एक बात कि हमेशा से सवाल रहा है कि अबूझमाड़, जो कि हमेशा से अबूझ रहा है, इसे कोई बुझा नहीं पाया है, और एक तरफ जो सुरक्षा बल हैं इन इलाकों में दबिश दे रहे हैं और लगातार इन इलाकों में मुठभेड़ कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, और नक्सलियों को मार गिराने का दावा कर रहे हैं। इन दावों के बीच ग्रामीण भी विरोध जता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, आदिवासी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं अपनी बेबसी जिंदगी की सिसकती आवाज़ से, अपनी जीवन शैली की दर्द को बता रहे हैं। इन्हीं जंगलों में आप देखिए, जंगलों में सन्नाटा है, जंगल में पंछियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, जुगनू की आवाज़ है, पंछियों की आवाज़ है। कोशिश कीजिए, हालांकि बाइक का साउंड आ रहा होगा लेकिन पंछियों की आवाज़ भी आ रही है। मैं कोशिश कर रहा था कि सिर्फ इस सफ़र में इस जंगल की कहानी को बता सकूं। पीछे आप आसमान देखिए, आसमान के बाद
ये जंगल, ये पेड़, ये धीरे धीरे समय बढ़ने के साथ ये अंधेरा जो कि करीब 7 बज गया है और हम सभी पत्रकार रिपोर्टिंग कर वापसी कर रहे हैं और नदी नाले, जंगल, पहाड़, इन सब चीज़ों को पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और अब मुझे लगता है कि इस वीडियो को जल्दी ही अंत करना होगा क्योंकि अब अंधेरी रात में तस्वीरें दूर तक की कुछ दिखेगा नहीं। मैंने कहा था कि जहाँ तक कि हमारी जो बाइक की हेडलाइट की जो रोशनी है जाएगी, बस वहीं तक कि हम दिखा पाएंगे और पैदल बाइक ऐसे इस सहारे वापसी कर रहे हैं और यह पूरी कहानी हबूजमाड़ जंगल की थी। मुझे लगा कि सफ़र के दौरान एक छोटी सी तस्वीर और इन कहानियों के बीच सैकड़ों कहानियां जो बसी हुई है उन कहानियों की का भी जिक्र करते हुए चलूं। इस इलाके में जो बाशिंदे हैं, जो आदिवासी, जो माड़िया जनजाति के जो लोग हैं इस हबूजमाड़ इलाके में रहते हैं, उनकी जीवन शैली को बता सकूं। कहते हैं कि तस्वीरों से सब चीज़ें समझा जा सकता है, तो इस वजह से मैंने तस्वीर कैद किया कि जो आदिवासी ग्रामीण हैं कैसे रहते हैं इन इलाकों में, कैसे अपने रोज़मर्रा के जीवन को, जो जरूरतों जो सामान है उसे लाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। मुझे लगा ये सफर के दौरान की तस्वीर दिखा सकूं या हबूजमाड़ जंगल इलाके की तस्वीर थी। इन तस्वीरों में सैकड़ों कहानियां, इन कहानियों को धीरे धीरे हम समय पर बस्तर साइट के माध्यम से दिखाएंगे, बताएंगे इन इलाकों में जो आदिवासी, जो ग्रामीण है। अरे अरे कहाँ फंस गया? बस्तर साइट यूट्यूब चैनल पर आप अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बस्तर साइट के माध्यम से बस्तर के जंगलों में जो बसे कहानियों को आप तक के पहुंचा सके, बस्तर की ज़मीनी हकीकत को दिखा सके। आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बताइएगा कि हमारे द्वारा जो कहानियाँ दिखाई जाती है, बताई जाती है, जो तस्वीर हम दिखाते हैं बस्तर साइट पर, जो कहानियाँ आप देखते हैं, आपको लगता है कि बस्तर साइट पर हम जो कहानियाँ हैं आप तक के पहुँचा रहे हैं उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जो हमारे चैनल पर कमेंट करके बताइएगा ताकि हमारा उत्साह बढ़ेगा। उत्साह के साथ ही साथ हम आगे भी इसी तरीके की तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए इन पहाड़ियों के घने जंगल, हबूजमाड़ के इस घने गुप्त अंधेरे सन्नाटे में मैं इस सफ़र को समाप्त करता हूँ और आगे भी इसी तरीके की सफ़र और रोचक तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।